कोई खास एम नहीं जिंदगी दा, मैं टारगेट हां आबादी दा, आज मरदा भावे कल मर जा, मैनू खौफ नहीं बर्बादी दा। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में। सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला एक लेजेंड थे और हमेशा ही रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिनका फैन आज हर एक छोटा या बड़ा व्यक्ति है। वो इसलिए क्योंकि सिद्धू के गाने दिल से लिखे जाते थे, जिन्हें हर कोई अपने से रिलेट करता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। तो आज के वीडियो में हम सिद्धू की सक्सेस स्टोरी तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे सिद्धू के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। सिद्धू मूसेवाला का फुल नेम सुखदीप सिंह सिद्धू है। सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। सिद्धू की फैमिली में इनके माँ पापा हैं। सिद्धू के फादर का नेम भोला सिंह सिद्धू है और इनकी माँ का नाम चरण कौर सिद्धू है। सिद्धू अपने माँ पापा के इकलौते थे और इसीलिए उनके माँ पापा ने इन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। सिद्धू ने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला इसीलिए रखा क्योंकि सिद्धू के गांव का नाम मूसा है। सिद्धू को पता था कि मैं अपनी एक बड़ी पहचान बनाऊंगा और इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने गांव की पहचान बनाने के लिए अपने नाम के आगे मूसेवाला लगाना स्टार्ट कर दिया। सिद्धू जब 5th क्लास में थे तभी से उनके अंदर सिंगिंग का क्रेज था और सिद्धू ने तय कर लिया था कि मैं सिंगर ही बनूंगा। सिद्धू के फादर आर्मी में थे, लेकिन वहां कोई हादसा हुआ और इनके फादर को वहां चोट लग गई, जिस वजह से बाद में वो पुलिस में भर्ती हो गए। सिद्धू के माँ पापा चाहते थे कि सिद्धू अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और इनके पेरेंट्स हमेशा से यही चाहते थे कि सिद्धू इंजीनियर बने, और इसीलिए सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर उसके बाद सिद्धू लुधियाना में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। सिद्धू मूसेवाला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। सिद्धू ने सबसे पहले सोचा कि मैं सिंगिंग करूंगा, लेकिन सिद्धू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिद्धू को गाना लिखना ही नहीं आता था। सिद्धू ने बहुत ट्राई किया कि कोई उनके लिए गाना लिखते, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। बहुत मुश्किल के बाद एक राइटर को बहुत बार कॉल करने के बाद उस राइटर ने सिद्धू का कॉल उठाया। उस राइटर ने सिद्धू को बोला कि मैं गाना लिख दूंगा, बस तू मेरे गांव आ जा। ये सुनकर सिद्धू बहुत खुश थे और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू बारिश की परवाह न करते हुए उस गाने के लिए उस लिरिसिस्ट के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर सिद्धू ने उस लिरिसिस्ट को कॉल किया और बोला, सर मैं आपके गांव आ गया हूँ, आपका घर कहाँ है? उस लिरिसिस्ट ने जवाब दिया कि आज मैं तुम्हें गाना नहीं दे सकता, तुम किसी और दिन आना। उस समय सिद्धू को बहुत निराशा हुई और उस वक्त सिद्धू ये सोच रहे थे कि कोई कैसे किसी और का इतना ज्यादा वक्त बर्बाद कर सकता है। उस दिन सिद्धू ने ये तय कर लिया कि आज के बाद किसी और का गाना लिखा हुआ नहीं गाऊंगा। वो अपने हॉस्टल आए और फिर अपना गाना लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक लिरिसिस्ट के रूप में इन्होंने दीप चांदू, एली यंगद और करण ओजला के साथ काम किया। सिद्धू ने पहला गाना लिखा जिसका टाइटल था लाइसेंस। इस गाने को गाने के लिए सिंगर निंजा रेडी हो गए और ये गाना वर्ल्ड वाइड बहुत हिट साबित हुआ, जिसकी वजह से पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच सिद्धू की पहचान बननी शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। साल 2016 में सिद्धू की इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक 1 ईयर स्टडी कोर्स के लिए इनका कनाडा जाना हुआ और कुछ सालों तक लिरिसिस्ट के रूप में काम करने के बाद अब इन्होंने सिंगिंग के जरिए ऑडियंस तक पहुंचने का फैसला लिया और फिर 20 सितंबर 2017 को इन्होंने अपना डेब्यू ट्रैक जी वैगन रिलीज किया। इसके कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त 2017 को इनका अगला ट्रैक रिलीज हुआ सोहाई। ये सॉन्ग इनके लिए बहुत लकी सॉन्ग साबित हुआ। इस गाने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई।
इसके बाद सिद्धू ने इस्सा जट, टोचन, सेल्फ मेड फेमस, वार्निंग शॉट्स ऐसे कई सॉन्ग्स के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाया और इस तरह सिद्धू ने खुद को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित किया। इसी साल एक पंजाबी बायोग्राफिकल मूवी के लिए इनका पहला फिल्म ट्रैक भी रिलीज हुआ जिसका टाइटल था डॉलर। साल 2018 में इनकी डेब्यू एल्बम PBX1 भी रिलीज हुई। इसे कैनेडियन चार्ट्स में भी लिस्ट किया गया। इन गानों और एल्बम की वजह से साल 2018 में सिद्धू बहुत फेमस हो गए और बड़ी संख्या में व्यूअर्स के द्वारा इन्हें देखा और सुना जाने लगा। और इसी वजह से साल 2019 में सिद्धू ने अपनी एक रिकॉर्ड एल्बम की शुरुआत की और इसी लेवल के जरिए इन्होंने सिद्धू एंथम, माफिया स्टाइल, पॉइजन, सोने लग दे और होमिसाइड्स जैसे ट्रैक रिलीज किए। साल 2019 में ही स्पॉटिफाई ने इन्हें मनिंदर बत्रा और करण ओजला के साथ मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन पंजाब की लिस्ट में शामिल किया। इसके बाद साल 2020 में सिद्धू ने अपनी दूसरी एल्बम स्निट चैट गेट स्निट चैट की अनाउंसमेंट कर दी और 2020 में रिलीज हुए डियर मामा, बंदिया बोले, गेम और ओल्ड स्कूल जैसे गानों ने इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। फिर इसके बाद देश के हर कोने में इनके गाने सुने और गाए जाने लगे। बड़े बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटीज ने भी सिद्धू के काम की तारीफ की और वो भी सिद्धू के गानों पर ग्रूव करते हुए दिखने लगे और इसी सब के साथ साथ सिद्धू स्टाइल और ट्रेंड बन चुके थे। साल 2021 में सिद्धू ने अपनी तीसरी एल्बम मूस्टेप रिलीज की जिसमें टोटल 32 गाने शामिल थे। इसी साल सिद्धू ने वायलेंस के फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया। वायलेंस फेस्टिवल एक रैप म्यूजिक फेस्टिवल है जिसे हर साल लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिद्धू वो पहले इंडियन सिंगर बने जिन्होंने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इसके बाद साल 2022 में हाल ही में इन्होंने अपनी EP रिलीज की जिसका टाइटल था नो नेम, जो कि बिना किसी प्रोमोशनल बिल्डअप के बहुत ज्यादा हिट साबित हुई। म्यूजिक करियर के अलावा सिद्धू ने एक्टिंग फील्ड में भी अपना लक आजमाया और फिर उसके बाद यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी और गुनाह जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया। सिद्धू मूसेवाला पर ये भी इल्जाम लगे कि उनके गाने भड़काऊ होते हैं, ऐसे गाने नौजवानों को मिसगाइड करते हैं और उनके गानों की भाषा सभ्य नहीं होती है। सिद्धू मूसेवाला के सो हाई, धोखा, ओल्ड स्कूल और संजू जैसे कई गानों को लेकर उनकी काफी आलोचना की गई। इन गानों के बारे में कई व्यूअर्स ऐसा कहते हैं कि इन गानों के माध्यम से सिद्धू ने गन कल्चर को प्रमोट किया है। सिद्धू के एक सॉन्ग पंजाब माई मदरलैंड को लेकर भी काफी विवाद हुआ क्योंकि इस गाने में सिद्धू ने कॉन्ट्रोवर्सल व्यक्ति की स्पीच के कुछ सीन को दिखाया था। मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला की दो वीडियोस इंटरनेट पर बहुत वायरल रही थीं, जिसमें इन्हें AK-47 गन की ट्रेनिंग करते हुए देखा गया और इस ट्रेनिंग में इनके साथ कुछ पुलिसमैन भी दिखाई दिए थे और इस वीडियो के वायरल होते ही इनके खिलाफ कई केस रजिस्टर किए गए, लेकिन स्ट्रॉन्ग केस न होने की वजह से बाद में सिद्धू को बेल मिल गई। साल 2022 में रिलीज हुआ इनका एक ट्रैक स्कैप गॉड भी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बना और इन सब के साथ सिद्धू ने करण ओजला के साथ सॉफ्ट कंट्रोवर्सी में भी हिस्सा लिया, जहां दोनों आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स द्वारा सोशल मीडिया हैंडल और लाइव परफॉर्मेंस के माध्यम से एक दूसरे को रिप्लाई देते रहते थे। इसे हम सॉफ्ट कंट्रोवर्सी भी बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच आर्ट के अलावा और किसी भी तरह की रायबंदी नहीं थी। सिद्धू की हत्या के बाद करण ओजला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हुए शोक भी जताया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा सिद्धू ने पॉलिटिक्स में भी आने का फैसला लिया और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सिद्धू ने 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। राजनीति ज्वाइन कर ली थी तो जाहिर है कुछ लोग सिद्धू को नफरत भरी निगाहों से भी देखते थे, वहीं कुछ लोगों की लाइफ के सिद्धू बेस्ट सिंगर भी बन गए थे। सिद्धू का शोर गली गली में छाने लगा था। सिद्धू के गानों में एक अलग किस्म का जुनून था जिसे सिद्धू के फैन बड़ी रुचि के साथ सुनने लगे थे। जहां कुछ लोगों ने सिद्धू की तरफ पॉजिटिवली देखना शुरू कर दिया था, वहीं कुछ लोग सिद्धू के लिए नेगेटिव थॉट्स भी रखते थे। अब सिद्धू पंजाब का जाना माना एक बड़ा नाम बन गए थे। सिद्धू अपने करियर को अभी बहुत आगे ले जाना चाहते थे।
सिद्धू को अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना था। सिद्धू की लाइफ का वो हसीन पल भी आ चुका था जहां सिद्धू की एंगेजमेंट भी हो गई थी और कुछ समय बाद सिद्धू शादी भी करने वाले थे। लेकिन 29 मई साल 2022 को एक ऐसी खबर आई जिससे हर व्यक्ति खौफ और शोक में डूब गया। अब जो लोग सिद्धू से नफरत करते थे उनके सीने में भी सिद्धू के लिए एक दर्द था। सिद्धू अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर पाते तब तक सिद्धू की हत्या कर दी गई। जो लोग सोचते हैं कि सिद्धू को मारकर उनका नाम और निशान मिटा दिया गया है तो उनकी सोच गलत है, क्योंकि इस सब के बाद सिद्धू को जो लोग नहीं भी जानते थे अब हर शख्स के जुबान पर सिद्धू की कहानी है और हमेशा रहेगी। सिद्धू के गाने की गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, लेजेंड नेवर डाई। फिर एक दो बंदे नाल होर इन्हें नाल ही कीता, फिर गाना कढ देना भी फलाना साढ़े ताए इस ताए धमका ये है वो। मैं थोनू एक गल दसदा मेरा भरा, हुण तक तुसीं जन्ने नाल जो कीता फोन फान मैसेज मुसेज यही कल यही कुछ कल परसों का ये इधर साढ़े वाल करन दी कोशिश कर रहे ने। इंक्वायरी नंबर ते फोन करता, असीं ऐं कर देंगे, असीं ओह कर देंगे, ईमेलां करतीआं, असीं ये कर देंगे, फलाना धमका करदा। मेरी गल सुणो ए, ठीक है ना। पहली गल, मेरा सुभाव है मैं जिंदगी दे विच ना करे किसी नूं माड़ा चंगा अजे तक बोलिया ना मैं बोला, ते मैं जिद्दण बोलदा मैं ठिक ठोक के कहना भी तैनू कहा, ठीक है ना। भी आ जिहड़ियां लीरां वालीआं गल्लां करदीआं ना, बिचां लीरां नूं कहना, बिची तुहाडे उस्ताद नूं कहना, ठीक है ना, बंदे खुंजे लाके काम करे। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी सिद्धू मूसेवाला की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा वीडियो में की गई किसी भी मिस्टेक के लिए हम माफी चाहते हैं। दोस्तों, सिद्धू का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।